फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं EFT Pro का अपडेट बताने वाला हूँ, क्या क्या इसमें मतलब अपडेट आया है। तो चलिए पहले फोल्डर में चलते हैं। मेरा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है EFT Pro का अपडेट आया हुआ है, तो हम इसमें डबल क्लिक करेंगे, डायरेक्ट अपडेट में आ जाएगा। तो हम वेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना देर में ये ओपन हो रहा है। देख सकते हैं हम यस कर दिए हैं। अब जो है इसका हम अपडेट में आपको दिखा देते हैं कि कितना कितना अपडेट आया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बता रहा है 4.3.9 इज रिलीज डेट यहाँ पे होगा, बट हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए दबा करके, मार्क लगा के, कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम एक नोटपैड में जो है पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम न्यू टेक्स्ट में पेस्ट कर दिए और जो है इसका अब हम पूरी तरह से अपडेट हम पढ़ लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सैमसंग में जो बताया है, सैमसंग फ्लैश प्रोटोकॉल अपडेट, सैमसंग FRP प्रोटोकॉल प्रोसेस अपडेट 8 ट्रांसलेट फॉर एंड्रॉयड 30 13 फर्स्ट इन द वर्ल्ड, यानी ये एंड्रॉयड वर्ज़न जो 13 है उसका भी अपडेट दे चुका है ये EFT Pro। और बहुत सारा सैमसंग में क्या होता था कि इमरजेंसी कॉल में जो है स्टार हच 0 स्टार हच में जो ADB एनेबल नहीं हो रहा था, मैं इसमें ट्राई कर चुका हूँ, इसमें ADB को एनेबल कर देता है और नोटिफिकेशन आ जाता है डिस्प्ले में। तो फ्रेंड्स, MTK में दिया है, यहाँ पे क्या दिया है देख लेते हैं। यहाँ पे आईफोन का भी दिया है इसमें, बहुत ही बेहतरीन देख सकते हैं। यहाँ पे आईफोन का दिया है क्या कि सीरियल नंबर चेंज कर सकते हैं, बहुत इजीली आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप देखे होंगे अनलॉक टूल में दिया था, लेकिन ये चीज़ पीछे दे दिया, अनलॉक टूल में पहले हो रहा था। तो एक और चीज़ दे दिया है इसमें, बूट पर्पल मोड, और ये फिर न्यू मेथड में दिया है। तो अभी हम इसको ओपन करके फिर से देख लेंगे, बट यहाँ पे EFT Pro डोंगल अपडेट, ये तो पहले वाला अपडेट है, इसको हम नहीं देखेंगे। तो चलते हैं, इसका जो मेन सेटअप है उसको ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ऑलरेडी मेरा अपडेट किया हुआ है, आपको दिखाने के लिए मैं वहाँ पे क्लिक किया था। तो देख सकते हैं यस कर दिए हैं हम सैमसंग का और हॉनर का मोबाइल और आईफोन का मोबाइल, ये तीनों मोबाइल का स्पेशल बॉक्स यानी टूल है ये, खास करके मैं देख पा रहा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ा आता है। मैं काम करता हूँ इसमें, इस टूल में काम करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है EFT Pro। मीडियाटेक में भी अभी बहुत सारा अपडेट दिया है इसमें, मीडियाटेक काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऑलरेडी मेरा रनिंग बता रहा है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ इसको टास्क मैनेजर में जा करके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, EFT Pro नहीं आया है, तो खैर कोई बात नहीं है। फिर से हम क्या करेंगे, उस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पर फिर से इसको डबल इसको फिर से ओपन कर लेंगे और हम इसको जो है अपडेट कर ही देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर फिर से रनिंग बता रहा है, यानी इंटरफेस और एप्लीकेशन इज रनिंग, यानी ये एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग हो के है, कहाँ है वो मिल नहीं रहा है। फिर से टास्क मैनेजर में क्लिक करेंगे और इसको जो है थोड़ा, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये चल रहा है जिसके कारण नहीं हो रहा था, इसका राइट क्लिक करके एंड कर दिया हम, यहाँ से चला गया। अब हम फिर से उसको ओपन करेंगे, देखते हैं इस बार ओपन होता है कि नहीं। यस करते हैं, ओपन हो गया।
तो देख सकते हैं अभी ये जो है अब मतलब ओपन हो रहा है, तो कोई भी चीज़ अगर ऑलरेडी रनिंग बताएगा आप बार बार परेशान हो जाओगे, तो आप सोचेगा कि रीस्टार्ट करूँगा पीसी को तो हो जाएगा, तो पीसी को रीस्टार्ट करने से पहले भी हो जाएगा, आपको टास्क मैनेजर से उसको डायरेक्ट प्रोसेसर से उसको एंड करना होता है बस। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। टास्क मैनेजर में इसको कोई भी सॉफ्टवेयर अगर रनिंग कर रहा है आपको मिल नहीं रहा है, तो यहाँ से आप उसको एंड कर सकते हैं, एंड ए टास्क, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर से इसको मिनिमाइज कर दिया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या अपडेट है। एक चीज़ और भी अपडेट है, अनलॉक टूल से बहुत ही बेहतरीन अपडेट है इसमें। जैसे कि हम ब्राउज़र ओपनिंग करते हैं अनलॉक टूल में, या यूट्यूब ओपनिंग करेंगे, तो पहले MTP पोर्ट को वो ड्राइवर इंस्टॉल करता है, लेकिन इसमें कोई MTP ड्राइवर का ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका MTP शो कर गया या मोबाइल शो कर गया, तो उसी में इसको इसमें जो है ब्राउज़र को ओपन कर देता है। ये अपडेट बहुत अच्छा लगा इसमें। दूसरा अपडेट आपको हम बता देते हैं, सैमसंग में जो FRP के लिए जो हम ये करते हैं, जैसे कि यहाँ एनिवल ADB नॉर्मल, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम जो वो इमरजेंसी कॉल में *H0*H डायल करके जो पहले ADB एनेबल करने के बाद फिर से यहाँ पे रीसेट FRP ADB में क्लिक करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ता है, इसी में हो जाता है वो FRP पूरा क्लियर इसी में हो जाता है। तो ये भी एक न्यू अपडेट है इसमें, वो भी बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरा अपडेट ये है Xiaomi में, इसमें जो दिया है आपका साइड लोडर में डायरेक्ट आप जो है इन्फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, और इसका रीसेट एपर भी कर सकते हैं, और फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं दिया है, साइड लोडर में इसमें MI अकाउंट नहीं दिया है, अभी फ़िलहाल नहीं दिया है, बाद में दे सकता है, क्या कि अपडेट बहुत जल्द आ रहा है इसमें। और ये MTK में बहुत सारा ऑप्शंस इंक्लूड किया है, जैसे कि आप वीवो का तो अभी प्री लोडर शो कर रहा है, ओप्पो का सब अपडेट होने के बाद जो है प्री लोडर शो कर रहा है, बट जिसमें अपडेट नहीं हुआ है आप वीवो में डायरेक्ट जा करके वाइप डाटा में आप क्लिक करके स्टार्ट कर दीजिए, आपका FRP और पैटर्न दोनों एक साथ क्लियर हो जाता है। ओप्पो में भी वही सिस्टम है देख सकते हैं, और सैमसंग में ओनली आपका इसमें MTK पोर्ट में अनलॉक नेटवर्क दिया है। यह हम अभी चेक नहीं किए हैं, इसमें हम बता नहीं सकते हैं, बट दिया है बहुत अच्छा चीज़ है, नेटवर्क अनलॉकिंग के लिए दिया है। MTK का अगर सेट है सैमसंग का तो आप नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा अपडेट क्वालकॉम में चले जाते हैं, क्वालकॉम में क्या दिया देख लेते हैं। जैसे इसमें एक चीज़ सैमसंग इंक्लूड नहीं था, बट अभी सैमसंग भी दे दिया है इसमें, और बहुत सारा मॉडल भी इंक्लूड किया है देख सकते हैं। अब फिर SPD में हम चलते हैं, तो SPD में क्या है इसमें, इसमें कुछ मॉडल पहले हम बहुत दिन से यूज़ करते हैं, इसमें Realme भी मॉडल लिख करके इंक्लूड किया था, बट फिर बीच में इसको हटा दिया गया है, पता नहीं क्यों हटाया। और ये जो देख सकते हैं यहाँ पर जो है वर्जन के हिसाब से दे दिया है, देखिए यानी यूनिसोक वाला जो CPU है इसमें यानी SPD का, तो ये वर्जन 1 से लेकर के 7 तक दे दिया है, आप 7 तक चेक कर सकते हैं। मॉडल होने से क्या होता है कि आप एक बार में मॉडल सेलेक्ट किए और एक बार में कर दिए, लेकिन इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 करके 7 तक चेक करना पड़ेगा, इसमें सपोर्ट करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है, बट Itel का इसमें मॉडल हटाया नहीं है, ये तो मॉडल चलता ही नहीं है इधर, नहीं Infinix भी नहीं चलता है, Infinix चलता है, तो Itel का दिया है, टेक्नो का दिया है, तो ये सब मॉडल दिया है 1-2। इसमें Itel का बहुत सारा मॉडल दिया है, आप Itel का इजीली मॉडल सेलेक्ट करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट अपडेट हम चेक करेंगे अब आईफोन का अपडेट ये है इसमें कि ये जो MDM बाईपास है, बट ये जेल ब्रेक के में जाते हैं, ये भी वही है, सेम है, ये भी सेम है, नहीं ये सेम नहीं है, इसमें अपडेट दिया है, इसमें एक्स तक नहीं, ये भी सेम है, एक्स तक था ही पहले। तो देख सकते हैं रैम डिस्क में हम जैसे क्लिक किए हैं, यहाँ पे एक चीज़ नया दिखने को मिल रहा है, जो ऊपर में देख रहे हैं आप यही दिया था, सिंगल ही दिया था, अब मेथड 2 इसमें इंक्लूड किया है,
मेरे ख्याल से इसमें जो अभी वर्जन, अभी ओएस वर्जन, आईओएस वर्जन जो अपग्रेड आया है उसके लिए ये मेथड टू अब इसमें इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे आप हेलो में जाइए, एक मिनट और भी देख लेता हूँ कौन सा अपडेट दिया है। यहाँ पे पर्पल मोड, हाँ तो पर्पल मोड में क्या है कि आप सीरियल नंबर चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं पर्पल मोड में आप इसको IPWNDR चेक करने के बाद आप बूट पर्पल मोड में जा करके जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको चेंज सीरियल नंबर में क्लिक करना है और स्टार्ट कर देना है। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई आईफोन है नहीं अभी, और जैसे ही हमको मिलेगा तो बहुत ही जल्द अपडेट दे दूंगा पूरा वीडियो के साथ समझा करके। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो में लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, अभी फ़िलहाल इसको क्लोज़ करते हैं।